हाँ दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डीजी अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लेने से और नॉन डीजी अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लेने से क्या बेनिफिट है, दोनों में क्या डिफरेंट है। क्योंकि बहुत सारे एजेंट का, बहुत सारे लड़कों के पास कॉल आता है कॉलेज का, कि वो बोलते हैं कि हमारा कॉलेज डीजी अप्रूव्ड नहीं है, हमारा कॉलेज सिंगापुर अप्रूव्ड है, हमारा कॉलेज ऑस्ट्रेलिया अप्रूव्ड है, तो क्या हमें वहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे लड़कों का कमेंट था। तो आज मैं प्रॉपर वीडियो उसी पर बनाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। जैसा कि मैंने अपना इंट्रो में बताया था कि आज हम लोग जानेंगे डीजी शिपिंग और नॉन डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डीजी शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के फायदे। अगर आप डीजी शिपिंग अप्रूव्ड किसी भी इंस्टीट्यूट में जीपी रेटिंग या कोई भी कोर्स कर रहे हैं एडमिशन लेंगे, तो पहला फ़ायदा आपका ये है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट बन के आता है वो जेन्युइन बन के आता है। इंडोस नंबर से आप अपने मास्टर चेकर पर जाकर आप सब चीज़ अपना बायोडाटा देख सकते हैं कि हाँ मेरा जेन्युइन तरीका से सब हो रहा है। आपको सभी अच्छी कंपनियां ही आपको एडॉप्ट करेगी, यानी अच्छी कंपनियों में आपका ज्वाइनिंग होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये हो गया है कि जब आप डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से जीपी रेटिंग या बीएससी नॉटिकल साइंस कुछ भी करते हैं तो आपको आगे एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका सी सर्विस जेन्युइन तरीका से काउंट होगा। ये दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरा फ़ायदा ये हो गया कि अगर आप डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो बाय द वे अगर मान लीजिए कि आप बाहर किसी कंट्री में चले गए, आप वहाँ पर जाकर फंस गए या स्मगलिंग में फंस गए या किसी कारणवश आपका जहाज अगर हाईजेक भी हो गया, पायरेसी अटैक भी हो गया, किसी कारणवश इसमें आप प्रॉब्लम में फंस गए, तो डीजी शिपिंग जो होती है आपको वहाँ से निकालने में मदद करती है, यानी गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करती है। तो ये डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज में लेने से फ़ायदे हैं। अब अगर आप विदाउट डीजी अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है। विदाउट डीजी अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो आपके जो भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं वो आपको कॉल कर करके बार बार परेशान करेगा कि आओ इतना में मैं आपको जीपी रेटिंग का ट्रेनिंग करा दूंगा। आपको कोर्स का नाम ही नहीं बताएगा कि आपको ये कोर्स करना है वो कोर्स करना है, बोलेगा 4 मंथ का ट्रेनिंग है, उसके बाद मैं तुमको डायरेक्ट सीट पर चढ़ा दूंगा, तुम्हारी सैलरी 28,000, 25,000, 30,000 रुपये शुरू होगी। तो अगर आप उससे सवाल बोलेंगे कि क्या आपका जो कॉलेज है वो डीजी अप्रूव्ड कॉलेज है, तो वो जवाब देंगे कि नहीं, मेरा कॉलेज जो है सिंगापुर से अफिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से अफिलेटेड है, हम लोग इंडिया से अफिलेटेड नहीं करवाएं। तो आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो रद्दी सर्टिफिकेट होगा, उसका कुछ वैल्यू नहीं होगा। CDC भी मिलेगा वही मिलेगा, STCW सर्टिफिकेट मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, सिंगापुर वाला सिर्फ मिलेगा। सिंगापुर में और इंडिया में डिफरेंट आप लोग जानती हैं, सिंगापुर है तो सिंगापुर में जाइए, इंडिया में है तो इंडिया में जाइए। अगर आप इंडिया में रहते हैं, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो आप एक प्रूफ है कि हाँ हम इंडिया के निवासी हैं, कोई भी काम होगा इलीगल तो हम अपना बायोडाटा यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, इंडियन एम्बेसी में सेंड कर सकते हैं, वो हमें कॉन्टैक्ट करेगी। लेकिन अगर आप सिंगापुर का COC लेकर जाएंगे, अगर आप कहीं फंस गए तो वो आपको तो कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज हुआ। और विदाउट डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से अगर आप करते हैं तो आपका सी सर्विस काउंट नहीं होता है, क्योंकि जब आप वॉच कीपिंग निकालने जाइएगा या आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वो मास्टर चेकर पर प्रॉपर आपका RPSL लेटर के साथ सेल होना चाहिए। अगर वो आपका RPSL लेटर के साथ सेल नहीं होता है तो आपका सी सर्विस काउंट नहीं होता है। दूसरी बात हो गई कि अगर आप जाकर कहीं दूसरे कंट्री में फंस गए तो डीजी शिपिंग आपको वहाँ से निकालने में मदद नहीं करेगी, क्योंकि आपने तो डीजी से कोई भी लेटर ही नहीं लिया है और डीजी शिपिंग से आपने कोई CDC ही नहीं लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सोच समझ कर विदाउट डीजी अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, वो आपको कितना भी झांसा दे कि नहीं मैं आपको प्लेसमेंट दे दूंगा, प्लेसमेंट लेकर आप क्या कीजिएगा, आपको प्लेसमेंट दे दिया, एक बार प्लेसमेंट दे दिया, उसके बाद आप जाकर फंस गए तो आपको झेलना पड़ेगा ज़िंदगी भर के लिए। तो आप डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से ही करें, विदाउट डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से आप कोई भी कोर्स मर्चेंट नेवी का ना करें। बोलता है कि सिंगापुर से अफिलेटेड है तो आप जाके बोलिए कि तुम जाके सिंगापुर में ही ना अपना कॉलेज खोलना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से तो ऑस्ट्रेलिया में जाके खोलो, इंडिया में क्यों खोल रहे हो। तो दोस्तों, मेरा यह बात ध्यान रखिए, आपका पैसा बहुत मेहनत का पैसा है, विदाउट डीजी अप्रूव्ड कॉलेज में आप एडमिशन मत लीजिए, अगर लीजिएगा तो आपका करियर ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे लड़के फ़ोन कर रहे हैं कि सर ये कॉलेज बिना डीजी अप्रूव्ड है, बोल रहे हैं 100% प्लेसमेंट दिला देंगे, एडमिशन ले लिए। बहुत सारे लड़के एडमिशन ले चुके हैं, तो क्या उनको समझाया जाए। तो दोस्तों, यही एक वीडियो थी। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीजी अप्रूव्ड कॉलेज में ही एडमिशन आप लीजिएगा।
तो ये छोटी सी वीडियो थी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।